प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज प्रदेश दौरे पर जी उदयपुर और जोधपुर में करेंगे चुनावी प्रचार। भाजपा प्रत्याशियों के समर्थन में चुनावी सभाओं को संबोधित करने वाले हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोपहर 2 बजे उदयपुर में जनसभा को संबोधित करेंगे। शाम को जोधपुर के रावण का चबूतरा मैदान पर चुनावी सभा आयोजित होने वाली है। तो वहीं गजेंद्र सिंह शेखावत के समर्थन में ये चुनावी सभा होने वाली है। पीएम मोदी का प्रदेश दौरा बता रहे हैं आपको। वायुसेना से सभा स्थल तक सुरक्षा के विशेष इंतजाम किए गए हैं। प्रदेश के दौरे पर आज पीएम नरेंद्र मोदी और आज चुनावी सभाओं को संबोधित करने वाले हैं। उदयपुर और जोधपुर में चुनावी प्रचार करेंगे पीएम मोदी। भाजपा प्रत्याशियों के समर्थन में चुनावी सभाओं को संबोधित करते नजर आएंगे। प्रधानमंत्री मोदी दोपहर 2 बजे उदयपुर में करेंगे जनसभा, तो वहीं शाम को जोधपुर के रावण का चबूतरा मैदान में भी चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। गजेंद्र सिंह शेखावत के समर्थन में ये चुनावी सभा होगी। जोधपुर सीट हॉट सीट है इस बार के लोकसभा चुनाव की। और इसी खबर पर और अधिक जानकारी के लिए A1 संवाददाता पिंटू सिंह नरूका फोन लाइन पर मौजूद है हमारे साथ। जी पिंटू, बताएं क्या कुछ तैयारियां, क्या कुछ अपडेट? देखिए अभी ना बताना चाहूंगा कि प्रदेश में 2 चरणों में मतदान होने जा रहा है और पहले चरण में मेवाड़ और मारवाड़ में चुनाव है। ऐसे में जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो सभाएं कर रहे हैं वो पहले चरण में कर रहे हैं जी। और जो मेवाड़ और मारवाड़ है, क्योंकि काफी अहम हो जाता है राजस्थान के लिए, पश्चिमी राजस्थान और मेवाड़, तो उनको साधने के लिए प्रधानमंत्री लगातार सभाएं कर रहे हैं। कल भी उन्होंने एक सभा मेवाड़ में की थी और एक मारवाड़ में की थी, और आज फिर वही पहले मेवाड़ में, जो मेवाड़ का जो केंद्र है उदयपुर, वहां पर वो सभा को संबोधित करेंगे। और उसके बाद में जो पश्चिमी राजस्थान का केंद्र है, जो संभाग मुख्यालय है जोधपुर, वहां पर जनसभा को संबोधित करेंगे। जोधपुर इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है लवीना, क्योंकि वहां पर मुख्यमंत्री के बेटे वैभव गहलोत चुनाव लड़ रहे हैं और अशोक जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं उनके करीबी माने जाते वाले, उनकी कोर ग्रुप के उनके मंत्री हैं उनके सरकार में गजेंद्र शेखावत, वो वहां से चुनाव लड़ रहे हैं। तो काफी महत्वपूर्ण आज की सभा यहां पर रहने वाली है, क्योंकि अशोक गहलोत का भी फोकस जोधपुर पर है और पूरी भाजपा का फोकस भी जोधपुर पर है। तो कहीं ना कहीं उस साधने के लिए, पूरी मेवाड़ और मारवाड़ को साधने के लिए लगातार 2 दिन आज प्रधानमंत्री सभाएं करने जा रहे हैं, क्योंकि कल भी एक मेवाड़ में और मारवाड़ में सभा हुई, आज फिर वही वहीं से मेवाड़ से और फिर मारवाड़ में सभा होगी। अब देखना ही कि उन वोटर्स को प्रधानमंत्री कितना लुभा पाते हैं, क्योंकि प्रदेश में सरकार कांग्रेस की है और पिछली 2014 में पूरी 25 की 25 सीटें भाजपा को मिली थी, लेकिन अब स्थितियां बदल चुकी है, प्रदेश में कांग्रेस की सरकार है और ऐसे में 25 की 25 सीटें हासिल करना पीएम मोदी के लिए भी बड़ी चुनौती है। लेकिन जो प्रथम चरण में जो मेवाड़ और मारवाड़ में जो सीटों पर जहां मतदान होने जा रहा है, वहां पर पूरी भाजपा का फोकस है, क्योंकि अमित शाह भी 26 अप्रैल को वहां पर एक रोड शो करने जा रहे हैं जोधपुर में। तो कहा जाए कि कहीं ना कहीं अभी तक जो बाकी जो सीटें हैं, चाहे शेखावाटी की लो, चाहे अपने ढूंढाट की लो, चाहे आड़ूती लो, वहां पर अभी तक पीएम मोदी का कोई भी सभा और कोई रैली या कोई रोड शो अभी तक देखने को नहीं मिला है, क्योंकि इनका सेकंड चरण में मतदान है। लेकिन अब जो ये सभा होने जा रही है जोधपुर में आज, ये काफी महत्वपूर्ण है, इसकी पूरी नजरें टिकी हुई है, क्योंकि कल भी पीएम मोदी ने जिस बाड़मेर में जनसभा की थी वो भी काफी हॉट सीट मानी जाती है, क्योंकि कर्नल मानवेंद्र वहां से चुनाव लड़ रहे हैं जो कि पहले बीजेपी में थे। अब आज जो सभा होगी जोधपुर में वो काफी महत्वपूर्ण है, क्या कि प्रधानमंत्री क्या बोलते हैं वहां पर और किस प्रकार से वो अटैक करते हैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर। जी लवीना। जी पिंटू, ये बताएं कि जोधपुर जो है इस बार के लोकसभा चुनाव के लिए हॉट सीट मानी जा रही है, क्योंकि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की लोकप्रियता भी है जोधपुर में, और ऐसे में कितना मुश्किल है भाजपा के लिए या फिर कांग्रेस के लिए जीत हासिल करना? देखिए वहां पर काफी कड़ी चुनौती मानी जा रही है, क्योंकि अशोक गहलोत के बेटे वहां से चुनाव लड़ रहे हैं। अशोक गहलोत 3 बार मुख्यमंत्री रहे, उन्होंने अपनी राजनीति जोधपुर से लगातार की, और गजेंद्र सिंह शेखावत का भी एक अपना वर्चस्व, वो भी केंद्रीय मंत्री हैं। तो कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए काफी मुश्किल है, इसीलिए बीजेपी का पूरा फोकस है और लगातार वहां पर पीएम मोदी भी सभा करेंगे, उसके बाद 26 अप्रैल को अमित शाह भी रोड शो करेंगे। तो इससे अंदाजा लगा जा सकता है कि बीजेपी कितना गंभीर ले रही है इस सीट को, कि केंद्रीय जो नेता है वो लगातार वहां सभा कर रहे हैं, तमाम समीकरणों को साधने में लगे हुए हैं। लेकिन अशोक गहलोत की अपनी एक लोकप्रियता है, वो वहां से कई बार सांसद रहे, केंद्रीय मंत्री रहे, और उसी जोधपुर की जनता से वो चुनकर लगातार आते हैं और वहां से 3 बार प्रदेश के मुख्यमंत्री बने, तो उनका एक लोकप्रियता का ग्राफ है, इसलिए काफी हॉट सीट वो मानी जा रही है, क्योंकि वो भी केंद्रीय मंत्री रहे हैं, सरकार का एक चेहरा कहीं ना कहीं गजेंद्र सिंह शेखावत रहे हैं। तो मोदी सरकार के कामकाज का भी वहां पर फैसला होगा अशोक गहलोत सरकार का, तो मुकाबला काफी महत्वपूर्ण है और शायद इसीलिए पूरी भाजपा का फोकस जोधपुर पे बना हुआ है। जी जी पिंटू, ये बताएं कि जो पहली जनसभा होनी है उसके लिए क्या कुछ अपडेट है आपके पास, कितने बजे होगी, कितने बजे तक पहुंचेंगे पीएम मोदी? देखिए पीएम मोदी सबसे पहले उदयपुर पहुंचेंगे और वहां से जब सभा संबोधित करेंगे, उसके पश्चात 2 बजे के बाद वहां से सभा संबोधित करके वहां से वो सीधा
जोधपुर पहुंचेंगे और जोधपुर में वहां पर सभा संबोधित करेंगे। पूरी तरह से तैयारी है क्योंकि भाजपा ने रैली में ज्यादा से ज्यादा लोगों को जुटाने के लिए पूरी तरह से पूरे शहर में पीले चावल बांटकर लोगों को आमंत्रित किया है, ज्यादा से ज्यादा लोगों को सभा में आने के लिए आमंत्रित किया है और पूरी तरह से वहां की प्रदेश भाजपा जो प्रभारी भाजपा ने वहां पर लगाए हुए हैं, प्रदेश प्रभारी जो अविनाश राय खन्ना है वो भी वहां पर लगातार लगे हुए हैं कि पीएम मोदी की रैली को ज्यादा से ज्यादा सफल बनाया जाए। चलिए पिंटू, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।